Hi, today we are going to learn binary search algorithm for insertion of a new node and searching a particular node. The first is insert a node. How will you start inserting a node in a binary search tree? So you call a root. This is a structure pointer I have taken as a root, and the value that you want to add it. Okay, for example, you want to add 50. So if root equal to null, root is the current binary search tree position and digit is the value that you want to add in that binary search tree. If root equal to null, it's mean आपका अगर root null होता है, अगर आपका root null value assign है, it's mean आपको कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. इन दैट केस आप रूट को आपने मैलॉक के थ्रू साइज एलोकेट किया. अब उस रूट के पास लेफ्ट एंड राइट प्लेस पे पॉइंटर्स हैं और यहां इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो. तो रूट के लेफ्ट पे जब फर्स्ट नोड होगा तो आप नल ऐड करोगे, राइट पे भी नल ऐड करोगे और यहां पर आप वैल्यू असाइन करोगे, दैट इज 50. इसलिए रूट नम इक्वल टू डिजिट हो गया. सेकेंड केस है इफ डिजिट इज लेस देन रूट नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू एड 40 एंड 50 इज ऑलरेडी एडेड देयर, दैट केस हियर विल पास 40 एंड रूट पोजिशन, तो दिस विल नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज रूट इज नॉट नल. नाउ इफ डिजिट मीन 40 इज लेस देन रूट नंबर, तो रूट नंबर इज 50. इफ इट इज 50 इज ग्रेटर देन 40, दैट इज नेक्स्ट टाइम 40 हम पास कर रहे हैं तो हम देखेंगे ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है. तो रूट लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में आप क्या करोगे, 40 ऐड कर दोगे. तो ये पॉइंटर, इसका लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 40 को. और जब ये 40 को पॉइंट करेगा तो और वो पॉइंट कब कैसे करेगा कि रूट लेफ्ट इंसर्ट रूट लेफ्ट डिजिट, आपने रिकर्सन के थ्रू फिर से इंसर्ट को कॉल किया और जब आपको ये जैसे ही लेफ्ट में नल मिल गया था वैसे ही आपने इस तरीके से रूट की साइज एलोकेट की और वैल्यू असाइन कर दिया 40. ठीक है, और इन केस आपको 60 ऐड करना है तो 60 में ये दोनों कंडीशन रन नहीं करेंगे, यहां चेक होगा 60 इज ग्रेटर देन रूट नंबर. तो रूट राइट, रूट राइट को क्या असाइन होगा, इंसर्ट रूट राइट वैल्यू. मतलब ये आप तब तक राइट में चलते जाओगे जब तक आपको रूट नल नहीं मिल जाता, और अगर फर्स्ट नोड है तो रूट आपको स्टार्टिंग में ही नल मिल जाएगा. तो रूट राइट इक्वल टू इंसर्ट रूट राइट में ये आपका नोड क्रिएट होगा और 60 आपके राइट में ऐड हो जाएगा और इसके आप इस पार्ट को यहां नल दे दोगे. ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती, डुप्लीकेट कंडीशन है, तो उन केस में आप प्रिंट कर दो दैट इज डुप्लीकेट. तो इसके थ्रू आप जो है बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, इनकेस आपका 40 दिया हुआ है रूट 30, ठीक है, इसके लेफ्ट में 20. नाउ यू हैव टू ऐड 32, आपको अब 32 ऐड करना है और ये सारा गिवन है. तो इनकेस डिजिट की वैल्यू क्या पास होगी, 32, और रूट, तो रूट अभी अभी आपका ये पॉइंटर यहां पे है रूट पे. ठीक है, तो इसने चेक किया कि रूट जो है नल नहीं है, इसका पॉइंटर नल नहीं है, तो ये क्या हुआ कि यहां पे आ गया. अब चेक करेगा कि 32 जो नया हम ऐड करना चाहते हैं दैट इज लेसर देन रूट नंबर, 40 से लेसर है, यस ट्रू हो गया. तो हम इसके, तो ये किसको कॉल करेगा, इंसर्ट रूट लेफ्ट, मतलब 30 को कॉल करेगा, 30 एज अ रूट यहां रिसीव हो जाएगा और डिजिट क्या पास हो जाएगी, 32. फिर ये चेक करेगा कि क्या इस ये नल है, ये नल नहीं है. फिर यहां चेक करेगा कि 32 इज लेस देन रूट नंबर, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, 32 इज ग्रेटर देन, तो यहां पे जाएगा और रूट राइट पे कॉल होगा और इसका राइट वैल्यू जब यहां से कॉल हो जाएगा तो चेक करेगा कि रूट की जो राइट वैल्यू थी वो पॉइंटर क्या था, नल था. जब नल वैल्यू हो जाएगा तो ये इस तरीके से आपका एक नोड क्रिएट हो जाएगा. ये नोड क्रिएट हो जाएगा जब ये कॉल हुआ, इसके लेफ्ट को आप नल दे दोगे, राइट को भी नल दे दोगे और रूट नंबर को आप क्या असाइन करोगे, डिजिट. ठीक है, और ये रिटर्न होकर के किसको जाएगा, रूट राइट को. इस तरीके से 32
यहाँ असाइन हो जाएगा। सो दिस इज इंसर्शन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट आपका है, अगर आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी है बाइनरी सर्च ट्री में, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो इसके लिए सिंपल सा आप एल्गोरिथम है वॉइड सर्च, आपने कॉल किया और इसमें आप करोगे रूट को और जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, ठीक है। अगर वो वैल्यू स्टार्टिंग में मिल जाती है, ठीक है, पहली कंडीशन ये लेते हैं कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब रूट ही नहीं एग्जिस्ट करता, इफ रूट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर रूट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो नंबर कोई सर्च करने का मीनिंग ही नहीं है। इल्स इफ आपका क्या है कि इन केस डिजिट इक्वल टू आपका क्या हो जाए, रूट नंबर, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने रूट को कॉल किया है और तभी आपको वैल्यू मिल गई, इट्स मीन आपने 40 को सर्च कर रहे थे, तो सीधे रिटर्न प्रिंट कर दो कि नंबर इक्वल टू जो भी आपका नंबर है डिजिट, इसको आप प्रिंट कर दोगे और जैसे मिल जाएगा। एल्स इफ थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर आपका रूट जो डिजिट है इज लेस देन रूट नंबर, अगर लेस है तो क्या करो कि फिर आप लेफ्ट में सर्च करते जाओ, सर्च रूट लेफ्ट डिजिट, ठीक है। तो ये कब तक रिकर्सिवली सर्च करेगा, जब तक आपको वैल्यू मिल नहीं जाती। और नेक्स्ट कंडीशन है अगर ग्रेटर की, तो उस केस में सर्च आप किधर मूव करोगे, राइट में डिजिट। ये रिकर्सन के थ्रू सर्च एल्गोरिथम है जिसको आप यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। थैंक यू।